नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सभी बड़ी खबरें। सीएम केजरीवाल की चीनी उत्पादों के बॉयकॉट की अपील, बोले दुगुनी कीमत होने पर भी खरीदेंगे स्वदेशी। मेघालय में प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले अब विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडोर है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ विध्वंसक युद्ध पोत मोरमुगाओ, नेवी चीफ ने बताया मील का पत्थर। लियो वराडकर बने आयरलैंड के पीएम, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा संबंधों को देते हैं महत्व। कर्नाटक में भाजपा ने हिंदुत्व एजेंडे को दरकिनार किया, श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक का तंज। भारत चीन की सेना का वायरल वीडियो देख बोले त्वांग के लोग, कहा हमें भी शामिल कर लो। विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और फ्रांस आमने सामने, गोल्डन बूट के लिए मेसी एम्बापे में जंग। तमिलनाडु में FMD टीकों की आपूर्ति में तेजी लाए केंद्र, सीएम स्टालिन ने किया आग्रह। गलवान हो या त्वांग, भारतीय सेना ने हमेशा साबित की है अपनी बहादुरी, कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री। वहीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शुरू होगा इंटीग्रेटिव मेडिसिन विंग। 7000 किलोमीटर दूर दुश्मन का सफाया करेगी अग्नि मिसाइल, DRDO को रेंज बढ़ाने में मिली कामयाबी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ भाजपा ने देश भर में किया प्रदर्शन, पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी। जहरीली शराब से मौतों के मामले की जांच करेगा NHRC, जल्द जांच टीम गठित होगी। बिहार में आरएस भट्टी होंगे बिहार के नए DGP, SK सिंघल का कार्यकाल कल हो रहा समाप्त। सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह का उपहारों से किया स्वागत, बंद कमरे में हुई बैठक। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा सीमा विवाद पर प्रस्ताव किया जाएगा पारित। कनाडा में हत्यारे को पकड़ने के लिए 287 करोड़ रुपए की पेशकश, माता पिता को न्याय दिलाने के लिए परिवार का बड़ा कदम। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत से WTC में बड़ा बदलाव, ऑस्ट्रेलिया से हार कर दक्षिणी अफ्रीका टीम तीसरे स्थान पर लुढ़की। वहीं भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 188 रनों से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजराती भाषा पर गुजरात सरकार की नीति स्कूलों को लागू करनी चाहिए दिया आदेश। वहीं 7000 किलोमीटर दूर दुश्मन का सफाया करेगी अग्नि 5, DRDO ने हासिल किया माइलस्टोन। मुंबई में नाइजीरियन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, 1.35 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त। हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय बरकरार, मंत्री पद की माथापच्ची पर सीएम सुक्खू ने डाला दिल्ली में डेरा। संजय राउत का पीएम पर तंज, बोले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे की अनदेखी क्यों। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे त्वांग हिंसा पर 7 सवाल, पूछा प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर कब करेंगे मन की बात। दिग्विजय मुख्यमंत्री होते तो सरकार न जाती, BJP के मंत्री ने दिग्विजय सिंह की तारीफ में कही बड़ी बात। जहरीली शराब से मौतों पर नीतीश कुमार पर भड़के चिराग पासवान, बोले उनकी बद्दुआ लग गई। यूपी में नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी शिक्षकों से बोले ट्रांसफर पोस्टिंग में न पड़े अपना काम करे। देश के कई शहरों में गिरा तापमान, दिल्ली में शिमला से ज्यादा ठंड।
भारत को जैव विविधता संरक्षण के लिए नया कोष बनाने की मांग, वैश्विक ढांचे को लागू करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा किया, 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को दी सौगात। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों ने रुंगटा और श्याम स्टील के 9 ठिकानों पर मारा छापा। वैदिक गणित प्रश्न मंच 22 को कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी ले सकेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। 2 और भाषाओं में पक्षियों की जानकारी देगा मर्लिन ऐप, मराठी और मलयालम में किया लॉन्च। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे पर दे सकेंगे 2 जनवरी तक राय। गर्भनाल संबंध सुरक्षा में दोनों की भूमिका, बांग्लादेश वायुसेना ने दिया बड़ा बयान। स्याही हमले की धमकी के बीच चंद्रकांत पाटिल ने पहनी फेस शील्ड, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रक्षा मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट आई, LSC LOC पर सेना की कड़ी नजर, तैयारी भी पूरी। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर विवाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा सीमा विवाद पर रखेंगे प्रस्ताव। कर्नाटक चुनाव में पूर्व सीएम कुमार स्वामी के बेटे निखिल लड़ेंगे चुनाव, JDS ने घोषित किया उम्मीदवार। सिद्धारमैया का आरोप, मोरल पुलिसिंग को प्रोत्साहित कर रहे बम्बई, दक्षिण कन्नड़ में 8 घटनाएं सामने आई। बंगाल में अमित शाह बोले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर BSF का सहयोग करे राज्य सरकारें, बंगाल के तर्क को किया खारिज। गुजरात के वडगाम के लोगों ने भाजपा को वोट न देकर देश के साथ विश्वासघात किया, मंत्री ने निकाला गुस्सा। मुख्यमंत्री योगी बोले यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं, 1,000 करोड़ किए जा रहे विकास कार्य। भारतीय किसान संघ का दिल्ली कूच कल, रामलीला मैदान में जुटेंगे 65,000 किसान, रहेगा रूट डायवर्जन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी चीन की सेना का मनोबल बढ़ा रहे। क्रिसमस नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, 5 सेक्टर में बांटा शहर, शिमला में अतिरिक्त जवान भी तैनात। G20 जम्मू कश्मीर के लिए विश्व मंच पर सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का उपयुक्त अवसर, LG मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर घाटी में जमात की 1 अरब की 1 दर्जन संपत्तियां जब्त, SIA की कार्रवाई। पंजाब में डेरा बाबा नानक में 250 मीटर की ऊंचाई पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने की फायरिंग तो लोटा। जयराम रमेश बोले यात्रा के कारण BJP से अपनी पिच पर लड़ रही कांग्रेस, हम सेट कर रहे नरेटिव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले 2025 का इंतजार क्यों, तेजस्वी को अभी CM बनाए नीतीश। छत्तीसगढ़ में CM बघेल ने कहा मोदी हमारे PM, किसी को अपमान का हक नहीं। झारखंड में विधायक खरीद फरोख्त का मामला, ED ने कांग्रेस MLA अनूप सिंह की पूछताछ के लिए समन भेजा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।